नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, दिग्गज एक्सपर्ट्स के द्वारा बारीक विश्लेषण करते हैं मौजूदा रियल्टी ट्रेंड्स का। सबसे पहले रुख करते हैं बुलेट पॉइंट्स का। महज दो दिन में गोदरेज प्रॉपर्टी ने रद्द की डीबी रियल्टी के साथ साझेदारी। 10% हिस्सेदारी के लिए डीबी रियल्टी में 700 करोड़ निवेश की थी योजना। बोर्ड ने स्टेक होल्डर्स और माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स से मिले फीडबैक के बाद लिया फैसला। बजट के बाद रियल्टी डेवलपर्स का मंथन। डेवलपर संगठन नरेटको की बजट की बारीकियों पर चर्चा। रियल एस्टेट की मांगों को लेकर वित्त मंत्री से मिलने की तैयारी। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के ऐलानों को लेकर डेवलपर्स का सकारात्मक रुख, लेकिन सस्ते घरों को लेकर मिलने वाली रियायतों पर दुविधा बरकरार। वित्त मंत्री से करेंगे मुलाकात। बीते साल देश के टॉप 8 शहरों में बिके 2,36,000 घर, लगभग इतने ही घर हुए न्यू लॉन्च। बिक्री और न्यू लॉन्च के मामले में एमएमआर अव्वल, चेन्नई रहा फिसड डी, नरॉक की एनुअल रिपोर्ट में दावा। मुंबई के डेवलपर ओबरॉय रियल्टी पर एनजीटी का डंडा। वर्ली के प्रोजेक्ट 360 वेस्ट में एसआरए निवासियों की पार्किंग हड़पने का मामला। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नए अलगाव पर लगी रोक। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। वित्त मंत्री ने साल 2022-23 का आम बजट पेश किया। इकोनॉमी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बजट को लंबे समय की ग्रोथ को आधार देने वाला बजट मान रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी इसे अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट के तौर पर पेश किया। पूरे बजट में ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखा, तो वहीं रियल्टी सेक्टर में सीधी तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ और ऐलान हुए। डेवलपर संगठन नरेटको ने बजट की बारीकियों को समझने के लिए एक आयोजन किया। इन 22-23 80 लाख हाउसेस विल बी कम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कुछ कहा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रिडक्शन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल लैंड एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अप्रूवल्स फॉर प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS). With the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. अपने ऐलान में सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार का फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर पर है। हालांकि नरेटको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी मानते हैं कि सस्ते घरों का फायदा छोटे शहरों को तो मिलेगा, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में ज्यादा भाव के चलते ये लाभ सीमित हो जाएगा। पीएमएवाई स्कीम में जहां काफी राहत दी हुई है और उसका समय एक्सटेंशन भी कर दिया है, वो मुंबई, दिल्ली वैसे वगैरह शहर में कोई लागू नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ फायदा नहीं है। इसलिए हम चाहते थे कि कुछ फायदा मिले। डेवलपर्स मानते हैं कि अगर सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 का दायरा और बढ़ा देती तो ये हाउसिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होता। दरअसल 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट है, इसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग थी जो पूरी नहीं हुई। हमने काफी मांगे मांगी थी, लेकिन अगर उन्होंने वो कोई नहीं अप्रूव की, कोई वादा नहीं है, लेकिन हमने 24B जो मांगा हुआ था, क्योंकि आज यही चाहते, हमारा नहीं है ये, इनका नारा है। हम तो बहुत ही खुश है इस नारे से कि हाउसिंग फॉर ऑल, हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये इसके वजह से हम तो, मैंने तो काफ़ी दफे बोला हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि उन्होंने हर आदमी के दिल में दिमाग में सपना बोया है कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए, और जो अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो जब इन्होंने ये सपना बोया है, तो ये सपना में उसको पूरा करने में सरकार ने उसका सहयोग करना चाहिए। हालांकि सीधी तौर पर ना सही, लेकिन सरकार ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हुए अर्बन प्लानिंग बिल्डिंग एक्ट और SEZ एक्ट में बदलाव की बात कही, जिसका डेवलपर्स ने स्वागत किया। रियल एस्टेट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ये कॉन्सेप्ट बजट में इंट्रोड्यूस किया। आज तक हम लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन नरेटको के थ्रू,
स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमेशा यही रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे प्रोसेस और प्रोसीजर सिंप्लीफाई होने चाहिए। जो प्रोसेस गुजरात में है वही प्रोसेस बम्बई में लगना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको एक्नॉलेज करते हुए पहली बार बजट में ये मेंशन किया है। सेकंड चीज़ जो उन्होंने बहुत मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ बात करी है, अर्बन प्लानिंग। उन्होंने कहा है मेगा सिटीज़ कॉन्सेप्ट जो आज अपने विदाउट प्लानिंग डेवलप हो रही हैं सिटीज़, उसके ऊपर फोकस दिया उन्होंने। उन्होंने एक टीम बनाई है, कमिटी बनाई है। दूसरा उन्होंने ये कहा है टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़ को भी अपन ने उतना ही रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट का पोटेंशियल समझ के उसका मास्टर प्लानिंग बनाना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में वन नेशन वन एग्रीमेंट का भी जिक्र किया, जिसको लेकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स काफी बुलिश हैं। जानकारों का मानना है कि इससे फ्रॉड कम होंगे, जमीन की पहचान आसान होगी, लिहाजा पारदर्शिता बढ़ेगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन आज की डेट पे अगर आप पूछते हैं किसी भी होम बायर से, तो वन ऑफ द मोस्ट इरिटेंट इज रजिस्ट्रेशन। कि रजिस्ट्रेशन का कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस स्टेट में करना है, यू नो कैसे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे, ये अगर लिंक हो जाए वन रजिस्ट्रेशन वन नेशन NGRDS से, तो इट विल बी फिनोमिनल। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसके अंदर एंड एबिलिटी टू बाय एंड सेल बहुत इजी हो जाएगा, रादर देन हर टाइम पे टाइटल वेरिफिकेशन हो, यू नो रजिस्ट्रेशन हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, आपस में डिजिटाइजेशन होती नहीं, सो यू आर नॉट एबल टू व्यू व्हाट द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आर। मेरे हिसाब से इट इज़ अ गेम चेंजर। बजट के बाद घर खरीदारों के मन में भाव बढ़ने की चिंता बनी है। डेवलपर संगठन क्रेडाई पहले ही भाव बढ़ाने के संकेत दे चुका है। हालांकि कुछ डेवलपर्स मानते हैं कि होम लोन की कम ब्याज दर और प्रॉपर्टी की स्थिर कीमतों ने घर खरीदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी बनाई है, ऐसे में भाव बढ़ाने की बात करना रियल्टी सेक्टर के लिए नकारात्मक माहौल बना सकता है। सारे डेवलपर को विनती करना चाहता हूँ, जब तक वो एब्जॉर्ब कर सकते कॉस्ट को, उन्होंने एब्जॉर्ब करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आज हम लोग सब टिके हुए क्योंकि सेल हो रही है, और मैं सारे बायर्स को भी कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचो कि दाम घटेंगे या दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मकान जो लाइफ में लेता है ना, वो कभी मकान बेचता नहीं है। भले ही इस बजट पर डेवलपर्स और जानकार मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में सबको ज्यादा की उम्मीद थी। साथ ही रेंटल हाउसिंग, ARHCs पर कमजोर रोड मैप और सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। बजट ऐलान में वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्टर डोज दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 2022-23 में 80 लाख नए घर बनाने का ऐलान किया है। इन घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड एलोकेट किया गया है, यानी सस्ते घर बनाने और खरीदने वालों के लिए PMAY के मिलने वाले लाभ जारी रहेंगे। इसी पर बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में शानदार काम कर रहे डेवलपर प्रदीप अग्रवाल जी से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर हुए ऐलान पर आपका रुख क्या है? हालांकि इसमें भी डेवलपर्स ने ITC को दोबारा शुरू करने समेत कई और मांगों को वित्त मंत्री से मांगा था, उनके सामने अपनी मांगे रखी थी, आपका रिएक्शन क्या है बजट पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए की जो ये एलोकेशन की गई है, ये कमिटमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग के उन लोगों के लिए जो पहली बार अपना घर लेना चाहते हैं। इससे एक उनकी नीयत बिल्कुल साफ नजर आती है कि उनका जो मेन फोकस है वो एक कॉमन मैन के ऊपर है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करें कि पूरे के पूरे बजट में रियल एस्टेट के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी, अगर चर्चा हुई तो सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। तो ये चीज साफ साफ दर्शाती है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है कि जब तक हर परिवार को एक घर नहीं दिया जाएगा, तब तक एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मीनिंग नहीं है। आप ये देखिए, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा जोर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगभग 25,000 किलोमीटर के जो हाईवेज हैं उनको और इंक्रीज किया जाएगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाएगा। इसका डायरेक्टली जो फायदा है वो कहीं ना कहीं रियल स्टेट को है, और दूसरी बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग को है। तो मैं इस पर्टिकुलर बजट से, क्योंकि इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रॉपरली कंसीडर किया गया है, बहुत खुश हूं।
प्रदीप जी, पीएमवाई के तहत जो लाभ मिल रहे थे ग्राहक या डेवलपर्स को, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है या वो जारी रहेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले सारे के सारे लाभ अभी रखे गए हैं, जिसके अंदर जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर है उनको 2,67,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो निरंतर मिलती रहेगी। अभी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा क्लेरिफिकेशन जिनके ऊपर हमने मांगा है वो मिलेगा तो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें जो होम लोन के ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स था उसका जो डिडक्शन था वो 1,50,000 रुपए का होता था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या उस डिडक्शन को समाप्त कर दिया गया है या स्टिल वो कंटिन्यू है, वो एक क्लेरिफिकेशन की नीड है। दूसरा, जो डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे थे उनके लिए एक टैक्स होलीडे था, उस टैक्स होलीडे के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। Correct. क्या वो अभी स्टिल ऑन है या उसको भी समाप्त कर दिया गया है? तो ये एक दो पॉइंट हैं जिनके ऊपर थोड़ा रोशनी की नीड है, और मुझे लगता है जितना कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी का हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर है, शायद इनके ऊपर भी कोई एक क्लेरिफिकेशन गुड मैनर में आएगा। प्रदीप जी, बजट ऐलानों के बाद रियल एस्टेट की दिशा किधर देख रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट को लेकर मैं इस पूरे के पूरे डिकेट में बहुत बुलिश हूं। उसका रीजन क्या है? जो डिमांड और सप्लाई है उसमें अभी बहुत बड़ा गैप है। अभी भी बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो मुझे लगता है बहुत बहुत ही कम डेवलपर हैं इसके अंदर। और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे जो ये पूरा का पूरा डिकेट है, और अगर अगले 5 साल की भी केवल बात करें, तो रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। जिस इंडस्ट्री का इंडिया की जीडीपी में एक सबसे बड़ा योगदान हो और आम इंसान को घरों की जरूरत हो, ऐसे में वो इंडस्ट्री फ्लरिश ना करे मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आने वाले कम से कम 5 साल के लिए मैं बहुत बुलिश हूं। बिल्कुल प्रदीप जी, जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में हमने बात की बुलेट पॉइंट्स की, रियल ट्रेंड्स की, और अब बढ़ते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की ओर। एनारॉक प्रॉपर्टीज की एनुअल रिपोर्ट का जिस पर डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत ठाकुर, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च एनारॉक। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके रिपोर्ट के क्या हाईलाइट्स हैं, कैसी दिख रही है रियल एस्टेट की चाल? धन्यवाद दीपक जी मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। ये हमने जो एनुअल रिपोर्ट 2021 का कंपाइल करके रिलीज किया है, उसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम न्यू लॉन्चेस की बात करें तो न्यू लॉन्चेस हमने 2021 में 85% से इंक्रीज देखी है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और सेल्स में 71% का ग्रोथ रहा है कंपेयर टू 2020। इसमें गौर करने वाली बात है कि अगर हम प्री कोविड लेवल की बात करें, जो कि 2019 मान लीजिए, उस समय उस साल में जो सेल्स हुई थी, तो मोटा मोटी जो न्यू सप्लाई है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पहुंच गई है, और सेल्स अभी भी हम 10% नीचे हैं प्री कोविड लेवल से। मेरे ख्याल से फिर भी एक बहुत ही अच्छा ये एक हमें मोमेंटम 2021 में देखने को मिला है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2021 में करीब 2,37,000 नए यूनिट्स लॉन्च हुए थे कंपेयर टू 1,28,000 यूनिट्स 2020 में, और उसी तरह अगर हम सेल्स की बात करें तो करीब सेल्स 2,36,000 इस साल हुई हैं कंपेयर टू 1.3 लाख यूनिट्स इन 2020। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिकवरी रहा है। और अगर हम फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2020 की बात करें तो करीब 90,000 यूनिट बिकी थी, जो कि ऑल टाइम हाई है 7 साल। सो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दीपक जी कि ये 2021 में सेकेंड वेव के बाद लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में कमजोरी आएगी, वैसा कुछ देखने को मिला नहीं, बल्कि एक सॉलिड रिकवरी आई। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा सीधी तौर पर ज्यादा कुछ नहीं आया, ऐसे में इस साल हाउसिंग मार्केट कैसा रहने वाला है? देखिए, पहले मैं आपके पहले पार्ट के सवाल का जवाब दूं।
रियल एस्टेट में हालांकि हमारी काफी उम्मीदें थी, हमने काफी रिकमेंडेशन भी भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, पर उतना कुछ हुआ नहीं। पर फिर भी अगर आप इनडायरेक्ट फायदा जो आप रियल एस्टेट को मिलने वाला है, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान है और जिस तरह का फोकस गवर्नमेंट ने रिएट्रेट किया है कि उनका अफोर्डेबल की तरफ है, अगर आप मार्केट की बात करें कि बजट के बाद कैसा रहने वाला है, हमें ये फंडामेंटल चीज समझना होगा दीपक जी कि ये मार्केट अभी भी एक बहुत ही एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है और ये ग्रोथ एक एक फैक्ट पे बेस्ड है कि अफोर्डेबिलिटी अभी सबसे अच्छी है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर तो साफ है, लेकिन बाकी के दूसरे सेगमेंट में कैसा माहौल देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना रहे और इसी तरह से सीमेंट, स्टील और बाकी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते रहेंगे तो आज न कल डेवलपर को काफी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये चैलेंज है जिसको देखते हुए डेवलपर फ्रेटिविटी ने मांग करी थी कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी जाए, जो कि मिला नहीं। वो मिल जाने की वजह से ये कुछ शायद प्राइसिंग पे अपना कंट्रोल रख पाते। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत तब हो सकती है जब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मजबूरन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ओर सोचे। और अगर आप देखें, रियल एस्टेट एक सेंटिमेंट के ऊपर टिका हुआ रहता है। अभी क्या है कि सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा सेंटिमेंट को हो सकता है अगर वापस से कोविड, हालांकि उम्मीद तो है लगती नहीं क्योंकि सबने वैक्सीनेशन रेट हमारा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी भी कोविड का खतरा मार्केट में बना हुआ है कि अगर वो वापस से होता है और ये तीन फैक्टर एक साथ प्ले करती है, जहां पे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और उसी समय ये कोविड का फिर से कुछ नया वेव आ जाए, तब शायद कुछ दिक्कत आ सकती है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि आगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में तेजी बिल्कुल आ गई, मैं कहूंगा मार्केट धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर चुका है और मुझे लगता है कि मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है और आगे कोई दिक्कतें दिखती नहीं है सिवाय इन तीन चीजों के। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेवलपर्स इस बार काफी डिसिप्लिन और काफी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक एक संयम बना रखा है, इतना प्रेशर, प्राइसिंग प्रेशर को लेकर फिर भी प्राइस नहीं बढ़ाने का एग्जीक्यूशन पे फोकस है, मुझे लगता है इनके वजह से काफी डिसिप्लिन और रोबस्टनेस इस मार्केट में। प्रशांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का, अगली खबर का। मुंबई के नामी डेवलपर्स ओबरॉय रियल्टी और स्काईलार्क बिल्डकॉन के जेवी प्रोजेक्ट 360 वेस्ट पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते आगे किसी भी अलगाव पर रोक लगाने का आदेश सुनाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल मुंबई के नामी रियल एस्टेट डेवलपर ओबरॉय रियल्टी और स्काईलार्क बिल्डकॉन मिलकर मुंबई के सबसे प्राइम इलाके वर्ली में 360 वेस्ट नाम का एक एसआरए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 2016 में ली गई पर्यावरण मंजूरी के तहत पुनर्वसित निवासियों के लिए घर के अलावा 500 पार्किंग बनानी थी। तर्क ये था कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले तमाम ऐसे कामगार हैं जो डिलीवरी या कैब ड्राइविंग का काम करते हैं, लिहाजा उनके लिए पार्किंग जरूरी है। ये जो प्रोजेक्ट है, बिकॉज इट इज एन एसआरए प्रोजेक्ट, इसके दो विंग्स हैं, एक स्लम रिहैबिलिटेशन विंग और एक लग्जरी फ्री सेल विंग। लग्जरी विंग में तो बहुत महंगे महंगे फ्लैट्स हैं और साथ ही साथ एक 5-स्टार होटल रिट्ज कार्ल्टन बन रहा है। और जो स्लम डवेलर्स का विंग है, जिसमें बिल्डिंगें बनी हैं स्लम डवेलर्स को घर देने के लिए, वहां पे 2300 फ्लैट हैं। अब लानत की बात यह है कि जो 2300 स्लम रिहैबिलिटेशन फ्लैट्स हैं, उनके लिए एक भी पार्किंग नहीं। और जो लग्जरी फ्री सेल कंपोनेंट है, जहां पे 260 फ्लैट है, एक फ्लैट की कीमत 50 से 100-150 करोड़ तक जा रही है, बड़े बड़े अभिनेता और उद्योगपति वहां पे फ्लैट ले रहे हैं, वहां पे 260 फ्लैट के लिए 1700 कार पार्किंग। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन देख स्लम प्रोजेक्ट में ही रहने वाले संतोष पाटिल ने मामले को एनजीटी में दाखिल किया। एनजीटी ने तुरंत मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की, जिसमें महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड एनवायरनमेंट अथॉरिटी के सदस्य थे। कमेटी ने साइट विजिट की, मामले की जांच में पार्किंग में हेरा फेरी को सही पाया और एनजीटी में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
एनजीटी ने रिपोर्ट को स्वीकार किया और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त आदेश सुनाते हुए स्लम में रहने वालों के लिए पार्किंग बनाने का आदेश दिया। अपने ऑर्डर में जब फाइनल जजमेंट पास किया एनजीटी ने, तो एनजीटी ने ऑब्जर्व किया कि स्लम डवेलर्स को एनवायरमेंट क्लियरेंस के अनुसार 500 पार्किंग दी जानी चाहिए थी, और क्योंकि 500 पार्किंग नहीं दी गई है, इट इज अ वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंट क्लियरेंस कंडीशन। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट में एक महीने का टाइम दिया है जिसके अंदर स्लम डवेलर्स को 500 पार्किंग दी जानी है, और इस ऑर्डर के तहत स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी कि SRA, महाराष्ट्र पंचु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो महाराष्ट्र स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, तीनों को साइट विजिट करके तीनों को सारे मेजर्स लेने हैं ताकि स्लम ड्वेलर्स को अपनी पार्किंग मिले, और जब तक स्लम ड्वेलर्स को उनकी पार्किंग नहीं मिलती तब तक बिल्डर को फर्दर एलिनेशन करने से मना किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि बिल्डर कैन नॉट डू फर्दर एलिनेशन इन द प्रोजेक्ट। अगर हम एलिनेशन शब्द की डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, इट मीन्स टू ट्रांसफर, सेल और कन्वे और क्रिएट थर्ड पार्टी राइट्स। तो लॉजिकली, क्योंकि एनजीटी का ऑर्डर अभी सुप्रीम है, तो जब तक स्लम डवेलर्स को पार्किंग नहीं मिल जाती तब तक बिल्डर्स और थर्ड पार्टी राइट्स या और नए फ्लैट प्रोजेक्ट में नहीं बेच सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर गणित के कौन से सूत्रों के आधार पर पर्यावरण नियमों को हवा में उड़ाते हुए 260 सुपर लग्जरी फ्लैटों के लिए 1726 पार्किंग तो बना दी गई, लेकिन गरीबों और कमजोर तबके के लोगों के लिए बने 2300 घरों में एक भी पार्किंग नहीं दी गई। ऐसे में चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि अगर नियमों की अनदेखी पर न्यायालय ने सख्ती दिखाई और प्रोजेक्ट पर पाबंदियां लगी, तो उन घर खरीदारों का क्या होगा जिन्होंने 360 वेस्ट में अपने घर बुक कराए हैं या निवेश किए हैं। इस पूरे मामले में हमने ओबेरॉय रियल्टी के पक्ष को भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक मीडिया स्पष्टीकरण हमारे साथ साझा किया जिसे एडवोकेट आदित्य प्रताप सिंह सरल भाषा में समझा रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी अपने ब्रांड नेम को इस कॉन्ट्रोवर्सी से थोड़ा दूर करने की कोशिश में है, वो कहने की हमारा एक जॉइंट वेंचर है दूसरी कंपनी के साथ, स्लम का इशू देखना उस कंपनी का काम है, हमारा काम, और हम एक जॉइंट वेंचर में ओएसिस रियल्टी के थ्रू ये फ्लैट बेच रहे हैं। द पॉइंट इज सिंपल, ये सब सब्सिडियरी इश्यूज हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंस में कौन स्लम बना रहा है, कौन फ्लैट बेच रहा है, उससे मतलब नहीं है। कोर्ट ऑर्डर में बोथ स्काईलार्क बिल्ड कॉन एंड ओबेरॉय रियल्टी को रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 में पार्टी बनाया गया है। दोनों ने अपना केस आर्ग्यू किया था एनजीटी के सामने, प्लस क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस ली गई है तो उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस कंडीशंस का पालन करना है। गौरतलब है कि ओबेरॉय रियल्टी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। हुरून रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 रिचेस्ट डेवलपर्स में से एक है। उसके बाद भी SRA प्रोजेक्ट में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए निर्धारित पार्किंग में धांधली करना चिंता बढ़ाता है। अभी तक होम बायर्स ये देखते थे कि प्रोजेक्ट में सभी जरूरी मंजूरियां हैं कि नहीं हैं, लेकिन अब ये भी देखने की जरूरत होगी कि उन मंजूरियों के मुताबिक प्रोजेक्ट बन भी रहा है या नहीं। अब घर खरीदते समय और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, अगले शो में मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।